माइलिन ली, जिसकी एज 13 साल है और वो अपने मामे की आज्ञाकारी बेटी भी है और बाहर वो एक मस्ती करने वाली लड़की भी है और वो इस ड्यूअल लाइफ को एडजस्ट करते करते थक जाती है। लेकिन सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं थी, और भी कुछ बुरा होने वाला था माइली के साथ, और ये इसी की कहानी है। माइली के 3 प्यारे स्कूल फ्रेंड्स भी थे, मरियन, प्रिया और एबी, और इनको फोर टाउन नाम के एक म्यूजिक बैंड के गाने बहुत पसंद थे। माइली के घर में एक टेम्पल थी और यहाँ उसकी मम्मी सान ई को भगवानों के तरह पूजते थे, और यही टेम्पल को टूरिस्ट स्पॉट के तरह इस्तेमाल करके वो अपना बिजनेस भी करती थी। रात को माइली अपने मम्मी के साथ टीवी देख रही थी, तभी उसे पता चलता है कि उसकी फेवरेट बैंड की कॉन्सर्ट होने वाली है, लेकिन उसकी मम्मी को बैंड बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब रात को वो सो जाती है और काफी डरावना सपना देखती है पांडा से रिलेटेड, और अब वो एक पांडा में परिवर्तित हो चुकी है सुबह उठने के बाद, और उसे इस बात का पता लगते ही वो बहुत डर जाती है। लेकिन ये बात वो अपने मॉम को नहीं बताती और बेड पे जाकर सो जाती है, और इसको एक बुरा सपना समझकर धीरे धीरे रिलैक्स हो जाती है, और रिलैक्स होने पर ही वो पांडा बॉडी धीरे धीरे उसके शरीर से गायब हो जाती है और वो नॉर्मल हो जाती है, और वो समझ जाती है कि ज्यादा एक्साइट नहीं होने से वो पांडा बॉडी गायब हो जाती है, ठीक हमारे हल्क की तरह। जब उसे गुस्सा आता है तब वो हल्क बन जाता है, और जब गुस्सा नॉर्मल हो जाता है तो वो फिर से एक नॉर्मल आदमी बन जाता है। अब उसकी मॉम उसको स्कूल छोड़ने जाती है, लेकिन आज वो बिल्कुल भी ओवर एक्साइट नहीं होना चाहती थी। स्कूल में हमेशा की तरह टाइलर आज भी उसे चिढ़ा रही थी, और माइली को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन धीरे धीरे वो पांडा में ट्रांसफॉर्म होने लगती है, इसीलिए वो खुद को बहुत मुश्किलों से शांत करने के बाद क्लासरूम में चली जाती है। वहाँ उसकी फ्रेंड मरियन उसे बताती है कि उसकी मम्मी पेड़ के पीछे से उस पर नजर रख रही है, और ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आती है और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और रेड पांडा में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और अब उसकी मम्मी भी उसकी हालत देख लेती है। अब माइली स्कूल से भाग जाती है और किसी तरह अपने घर पर पहुंच के अपने कमरे में रो रही होती है। उसकी मम्मी भी घर पहुंच जाती है और उसकी पापा अब बोलते हैं, तुम्हारे साथ ये बहुत जल्दी हो गया। तब माइली को अजीब लगता है और वो बोलती है, तो आप सबको पता था ऐसा कुछ होने वाला है। तब उसकी मम्मी माइली को सन ई की कहानी सुनाती है। सन ली को रेड पांडा बहुत पसंद था, इसीलिए वो रेड पांडा बनने की विश मांगता है, और उनकी गांव में लड़ाई शुरू होती है, और एक रक्त पूर्णिमा के दिन उसकी ये विश पूरी हो जाती है और वो अपने दुश्मन को हरा देता है। बाद में वो ये शक्ति अपने दोनों बेटियों को दे देती है, और यही शक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी उनके वंश में आती है। लेकिन डरो नहीं, इसका एक इलाज भी है। मैं भी रेड पांडा बनती थी, लेकिन उस इलाज के वजह से मैं नॉर्मल हो गई। अगले रक्त पूर्णिमा के दिन इस पूजा को किया जाएगा और एक लॉकेट में तुम्हारी रेड पांडा की आत्मा को बंद कर दिया जाएगा। अब उसकी डैड कैलेंडर देखकर बताते हैं कि अगले रक्त पूर्णिमा 25 तारीख को है। तब तक उसे अपने इमोशन पर काबू रखना होगा, और उसको एक अलग कमरे में रखा जाता है जहाँ पर कोई भी चीज नहीं थी। अब वो सुबह उठती है और इस प्रॉब्लम से बहुत परेशान रहती है। तभी उनके दोस्त वहाँ पर आते हैं और माइली से मिलना चाहते थे, लेकिन माइली नहीं मिलना चाहती थी। लेकिन उसके दोस्त बोलते हैं 18 तारीख को उनके फेवरेट बैंड फोर टाउन की शो है, और इस बात को सुनकर माइली अपने दोस्तों को अंदर बुला लेती है, लेकिन वो लोग डर जाते हैं, और वो बताती है कि उससे उन्हें कोई भी खतरा नहीं है, और वो रोता रोता अपनी कहानी अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। दोस्त भी उसे सपोर्ट करते हैं और कहते हैं उनकी दोस्ती कभी भी नहीं टूटेगी, और माइली शांत हो जाती है और नॉर्मल हो जाती है, और उसे समझ आ जाती है उसके दोस्त की प्यार के वजह से गुस्सा आने पर भी वो पांडा नहीं बनती। अब उसकी मॉम और डैड उसकी पांडा को कंट्रोल में रखने का टेस्ट लेते हैं, लेकिन वो अपने दोस्तों को याद करते हुए अपने आप पर काबू करके वो टेस्ट पार कर लेती है, और उसकी मॉम भी आश्वस्त हो जाती है क
कि वो अब पांडा में परिवर्तित नहीं होगी, अपने आप पर काबू अब वो रख सकती है। और अब माइली ऊपर सोने चली जाती है। तभी माइली के नानी माँ की फोन आती है। उन्हें माइली के पांडा बनने की खबर मिल चुकी थी, इसीलिए वो माइली को ठीक करने के लिए वहां आना चाहती थी। इधर माइली अपने दोस्तों को बताती है उसकी फैमिली उसे वो शो देखने की परमिशन नहीं देने वाली, इसीलिए उस शो पे जाने के लिए उन्हें पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। टोटल $800 लगेंगी और इसको जोड़ने के लिए माइली रेड पांडा बनती है और लोग उसे देखने का पैसा देती है। इसी तरह से उन लोगों ने $700 इकट्ठा कर ली थी, लेकिन अभी भी उन्हें $100 की जरूरत थी। तभी टाइलर वहां पर आता है और उसके घर में बर्थडे पार्टी है, तो माइली अगर पांडा बनकर आती है तो इसकी पार्टी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो माइली बोलती है उसे $200 चाहिए, तो वो अगर पैसा देता है तो वो पांडा बनकर उसके पार्टी में जाएगी, तो टाइलर मान जाता है। अगले दिन माइली घर से बहाने बनाकर वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी नानी माँ और उसकी आंटीज वहां पर आ जाते हैं और वो पार्टी पे नहीं जा पाती। इधर पार्टी में माइली के ना आने से टाइलर बहुत गुस्सा होता है। इधर माइली सोने का बहाना करके किसी तरह से पार्टी पर पहुंचता है और वहां पर बहुत मस्ती और धमाल करती है और लोगों को एंटरटेन करती है। अब माइली के मम्मी उसे चेक करने के लिए कमरे पे आती है, तो उन्हें बेड के नीचे माइली के शो के टेम्पलेट्स मार्कशीट्स वगैरह मिलती है, जिसे देखकर उसकी मम्मी बहुत गुस्सा होती है और उसे जगाने जाती है, लेकिन वो देखती है माइली तो बेड पे सोया ही नहीं। इधर पार्टी में माइली को रेडियो से पता चलता है कि वो शो 18 तारीख को नहीं बल्कि 25 तारीख को है। इस बात को सुनकर माइली को काफी गुस्सा आता है और वो पांडा बन जाती है, क्योंकि वो पूजा भी उसी दिन थी तो वो शो पर नहीं जा पाएगी। इधर टाइलर नीचे से बोलता है कि आके लोगों को एंटरटेन करे, वरना वो पैसा नहीं देने वाला। तो माइली और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और टाइलर पर हमला कर देती है। तभी वहां पर माइली की मम्मी आ जाती है। सारे बच्चे अब माइली से डरने लगते हैं और टाइलर के फैमिली वाले माइली और उसके मॉम को खरी खोटी सुनाती है और माइली अब घर चली जाती है। अब 25 तारीख को माइली के फ्रेंड्स कॉन्सर्ट देखने जाती है और इधर माइली अपने पूजा में व्यस्त हो जाती है। अब उसे एक सर्कल में बिठा दिया जाता है और सभी घर वाले एक मंत्र गाती है, तो कुछ देर बाद एक रोशनी उस सर्कल से निकलने लगती है और माइली को हवा में उठा लेती है। अब माइली एक अलग दुनिया में पहुंच जाती है, जहां पर उसके पूर्वज सनली एक मिरर के साथ खड़े थे। माइली उस मिरर को पार करते ही उसका पांडा के आत्मा से कनेक्शन खत्म हो जाती, लेकिन वो ये नहीं चाहती थी, क्योंकि पांडा के वजह से उसकी लाइफ और भी ज्यादा मजेदार बन चुकी थी। इसीलिए वो इस मिरर के आर पार नहीं जाती और असली दुनिया में लौट आती है। अब उसकी मॉम समझाती है, लेकिन वो वहां से भाग जाती है और इधर उसकी मम्मी का रेड लॉकेट टूट जाती है और वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती, इसीलिए अब वो भी पांडा बन जाती है। इधर माइली शो में पहुंच जाती है और अपने दोस्तों से माफी मांगती है, तो दोस्त भी उसे माफ कर देते हैं। अब माइली का मम्मी पांडा रूप में उस शो में पहुंच जाती है और उनकी साइज बहुत बड़ी थी, इसीलिए वहां लोग उनको देखकर डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अब माइली का फैमिली भी वहां पर पहुंच जाती है और माइली का मम्मी उसको पकड़ लेती है और पूछती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेइज्जत करने की? तो माइली पांडा बनकर अपने आप को छुड़ा लेती है। अब इधर माइली का डैड माइली के मम्मी के चारों ओर सर्कल ड्रॉ कर देते हैं और माइली अपने मम्मी को सर्कल में रखने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसकी मम्मी गिर जाती है और सर्कल से बाहर चली जाती है। इधर रक्त पूर्णिमा जल्दी से खत्म होने वाली है, इसीलिए वो पूरी कोशिश करती है कि उसकी मम्मी सर्कल में वापस चली जाए, लेकिन उसकी मम्मी बहुत भारी थी, इसीलिए माइली के नानी और आंटीज भी पांडा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर माइली की मदद करती है और मंत्र पढ़ते ही वो सभी उस बम्बू फॉरेस्ट में चले जाते हैं, जहां पर माइली की मॉम माइली से माफी मांगती है और माइली को छोड़कर बाकी सभी मिरर पे पास होकर पांडा फॉर्म से आजाद हो जाते हैं। जबकि माइली अपने पांडा को अपने पास रखने की डिसाइड करती है
और अब उसकी मॉम को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती उससे। अब लास्ट में दिखाया जाता है माल्या अपने टेम्पल को टूरिस्ट को दिखाती है पांडा फॉर्म में, और मूवी यही पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मूवी टर्निंग रेड। तो आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।